इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, और इसी सिलसिले में आज मैं आया हूँ नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और मेरे साथ अभी है एडवोकेट मनोज सर जो इंचार्ज है नॉर्मल जो बुक लाइब्रेरी होती है और साथ ही में जो ई लाइब्रेरी होती है उसके इंचार्ज है, तो उनके साथ थोड़ी सी बात करेंगे, जानकारी लेंगे कि उन्होंने कहाँ से उनका लॉ किया और साथ ही में जो ई उपक्रम जो शुरू हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। तो मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। मुझे बताइए सर कि आपने आपका लॉ कौन से कॉलेज से किया? मैं दो कॉलेज से आया हूँ, पहले मैं चंद्रपुर में, मैं ग्रामीण से बिलोंग करता हूँ, तो चंद्रपुर जिले से मैं प्राप्त हूँ, तो वहाँ पे मैंने चंद्रपुर के कॉलेज में एक साल किया, फिर वहाँ से नागपुर शिफ्ट हुआ और नागपुर में मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ में कम्प्लीट किया। तो आपने जो नागपुर में आपका कम्प्लीट किया एक घंटा वगैरह लग सकते हैं, तो मुझे बताइए मनोज जी कि आपने आपका लॉ कहाँ से किया? एक्चुअली मैं ग्रामीण से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर है, वहाँ से शांताराम कोटू के में मैंने एक साल किया और वहाँ से फिर लॉ यूनिवर्सिटी कॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज में नागपुर में। और फिर कौन सी यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी कौन सी थी? नागपुर यूनिवर्सिटी। ओके, मुझे बताइए कि लीगल प्रोफेशन आपने कभी ज्वाइन किया? 2007 में मैंने एलएलबी कंप्लीट करी। क्या रीजन था कि बाकी सब करियर छोड़ के आपको लगा कि आप लीगल प्रोफेशन में? तो इसका अगर देखा जाए तो मेरे दो नंबर के भाई विनोद मेन जी, वो जब मैं बी ए कर रहा था तो वो नागपुर में थे, उनको जस्ट सर्विस लगी थी, टीचर लगे थे, तो उनके जो फ्रेंड थे वो वकील थे, उनको लगा कि अपने यहाँ तो पूरे टीचर है, लॉ में कोई नहीं है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, तो कोई तो एक भी तो हमारे फैमिली से लॉ प्रोफेशन में जाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे फोन ना करते हुए मेरे बड़े भाई को फोन लगाया कि ऐसा ऐसा इसका ये कंप्लीट हुआ है तो लॉ कैसे रहेंगे आप? मेरे बड़े भाई की इच्छा थी कि मैं भी टीचर बनूँ। पापा तो गुजर गए थे, बड़े भैया ने पूछा कि तेरा क्या ओपिनियन, आप डिसाइड करते हो, अच्छा तुम टिक पाएंगे क्या ये प्रोफेशन में? बोला क्यों नहीं, अगर कोई भी प्रोफेशन हो या कोई भी हो, टीचर आप बनाना चाहते हैं तो मेरी काबिलियत होंगी तो टीचर बना रहे हैं, तो अगर आप मुझ में काबिलियत देखते हो तो मैं वकील भी कर सकता हूँ। वही ऐसे क्योंकि क्या है यहाँ इतने कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, चैरिटी है, मैट है, कोऑपरेटिव है, लेबर कोर्ट है, तो जो भी सीनियर थे के पास जाते हैं हम, तो इतने काम रहे थे सीनियर तो अपने साथ तो कंटिन्यू तो रह नहीं सकते, तो सीनियर हाई कोर्ट में है तो सीनियर बोलते कि तेरे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी मैटर है संभाल ले, अगर हाई कोर्ट में टाइम लग रहा है तो सीनियर बोलते कि ये काम कर, तो ये कॉन्फिडेंस इजीली क्रिएट हो जाता है। अच्छा, और अभी ऐसा कभी होता था कि फॉर एग्जांपल आपके सीनियर हाई कोर्ट में और उन्होंने आपको एक काम बोला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं हो या आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये किस तरह से करना चाहिए, तो उस वक्त जब आप एक कोई सीनियर को अप्रोच कर देते हैं दूसरे, तो आपको कैसे थोड़ा हिचकिचाहट होती है या आप बिंदास जाके? बिंदास, क्योंकि मैंने यहाँ का जो माहौल देखा और हमारे सीनियर वहाँ है तो उनके जो फ्रेंड्स लोग रहते हम उनके टेबल में आजू बाजू में बैठे थे, तो अगर सीनियर का फोन आया तो हम पूछते थे कि सर हमारे सीनियर का ऐसा ऐसा फोन आया हुआ, ऐसा मैटर करना है तो कैसा करे, क्या करे, या ऐसा ऐसा कर ले, अगर कोई क्यूरियाती है तो अगर तुम्हारा सीनियर या कोई कलीग होगा तो उसको साइड में खड़ा रखने का, अगर कोई क्यूरियाती है तो तुरंत पूछ लेने, ऐसा तो ईजी होता था, ईजी होता था, और एक अलग से यानी और सीनियर अगर काम बताते थे तो एक प्लीजेंट और थोड़ा किसी तरह का स्टडी सर्कल है क्या?
मैं 2015 में एग्जीक्यूटिव मेंबर चुन गया था यहाँ पे। उस टाइम पे हमारा टाइम पे आकार करके स्टडी सर्कल जूनियर नौकरी के लिए था, उसमें सभी जूनियर बैठते थे, आठवें माले पर होता था मानपुरा साल में, और वहाँ पे लेक्चर बुलाए जाते थे, सीनियर एडवोकेट, सीनियर काउंसिल, जजेस, ऐसे एक एक अपॉइंटमेंट दी जाती थी। और वहाँ पे जो वकील का जिसमें कमांड है वो सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाते थे। और वहीं से जेएमएफसी भी हो गए बहुत से, बहुत सारा जेएमएफसी अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, कोविड पेंडेमिक की वजह से वो थोड़ा रुक गया, धीरे धीरे वापिस चालू हो जाएगा। वो आकार था, वो जस्टिसिया के टाइम में वो भी गया था, जस्टिसिया जो प्रोग्राम था। मुझे बताइए कि आप लॉ बुक्स कहाँ से बाय करते हैं? शांति लाउस से, हम बाहर से करते हैं, नागपुर का ही होते हैं। अच्छा, शांति लाउस बाय करते हैं। ई बाय करते हो क्या? हाँ, ई बाय करते हैं। हाँ, अच्छा। ये पूछना चाहूँगा कि आपको सिविल साइड जाना की इच्छा है, क्रिमिनल की इच्छा है, क्या दोनों करने की? मोस्टली मेरे पास क्रिमिनल है और चैरिटी का, खुद के स्कूल होने की वजह से चैरिटी के कुछ एग्जाम में केसेस है, और सिविल भी थोड़ा बहुत है। जुडिशरी ज्वाइन करने की इच्छा? नहीं नहीं। अच्छा, तो आप तालुका कोर्ट में जाते हो? हाँ, तालुका कोर्ट में जाता हूँ, और बाहर के डिस्ट्रिक्ट जैसे गढ़चिरौली चंद्रपुर, वो मेरा नेटिव प्लेस होने की वजह से वहाँ के अगर मैटर आते हैं तो मैं चंद्रपुर और गढ़चिरौली जाता हूँ, और नागपुर तो प्रॉपर है, और तालुका प्लेस चामटी सावनेर वहाँ भी जाता हूँ। अपना बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर बेंच में, बेंच पे वहाँ भी अपील रहा है। अभी मैं उस सवाल पे आता हूँ कि आप ई लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं, और अभी सर्कुलर्स आए हैं कि ई फाइलिंग ही करना पड़ेगा, तो उसके बारे में फिर आप लोग क्या कर रहे हो, क्या स्टेप्स ले रहे हैं? अभी फर्स्ट स्टेप रहेंगी अवेयरनेस कि कैसे करना चाहिए, उसके लिए कुछ प्रोग्राम रखना चाहिए या क्या करना चाहिए। मेरे पास जो आईटी लाइब्रेरी का इंचार्ज हूँ, तो वहाँ पे मैंने स्कैनर और थोड़े कंप्यूटर बढ़ा के, यानी और वहाँ के जो ऑपरेटर है वो वहाँ पे अच्छे एक्सपर्ट रहे, ये कोशिश रहेंगी। और जो जूनियर्स जो है अभी के जो लॉयर है या जूनियर्स है उनको नॉलेज है, लेकिन जो सीनियर है, सीनियर सेट है, उनको ये जो नॉलेज नहीं है, तो उनको अवेयरनेस है उनके जूनियर्स के हाथ से, या वहाँ पे वो खुद आके हमारे ऑपरेटर के हाथ से वो फाइलिंग करवा सकते हैं, ऐसा हम प्रोसीजर। मतलब कोई छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम तो रखना है, तो लोगों को समझ में आए एग्जैक्टली क्या है, कि कैसे करना चाहिए, डॉक्यूमेंट का है वो स्कैनिंग, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्राफ्टिंग तो हो जाएंगी लेकिन जो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग है वो तकलीफ जाएगी, इसीलिए वो प्रोग्राम रखना पड़ेगा। तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत अच्छा एक ओवरव्यू दिया और आपका समय दिया। थैंक यू।